कहा जाता था कि ये अपने हाथ को, कलाई को, उंगलियों को मजबूत रखने के लिए स्पिनर के लिए यही इम्पोर्टेंट होता है। कहा जाता था कि ये घर पे कपड़े तक ये धोते ताकि उनकी कलाई, ये खुद इन्होंने इंटरव्यू में कहा, कितना ज्यादा घुस जाते थे बता रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो देखिए उन्होंने इतना सक्सेसफुल थे, इसलिए उन्होंने इंडिया के कैप्टन बने और एक नंबर वन स्पिनर वर्ल्ड के में मैंने आज तक ऐसा स्पिनर नहीं देखा। जब मैं पहली टाइम कैप्टन बना था, जब कोच बने तो जब भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, जब भी अभी हमारे पास 4-5 स्पिनर थे, उन लोगों ने बहुत सिखाया और उनके बारे में जितना भी तारीफ करे कभी बहुत कम है। बहुत बड़े इंसान थे बिशन सिंह सर और हमें भी बहुत उनसे सीखने का मौका मिला और कभी भी गलती होती तो फौरन फट से बता देते थे, कभी कभी सोचते नहीं थे आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, लेकिन हमने बहुत सीखा और आज ये बहुत दुख का दिन है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी अल्लाह ताला उनको हर चीज़ से अच्छा रखे। अच्छे बॉलर थे, जितनी बार बॉल घुमाते थे पीछे, लेकिन अगर टीम इंडिया की बात आती है तो वो सीधा मुंह पे चीज़ों को बोलते थे, बिल्कुल स्टैंड करते थे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनका जो अलग था, उनका जो बोलने का अंदाज था, मैं भी बहुत से लोग को शायद समझ में नहीं आया, बट लेकिन जो उन्होंने बोलते थे बिल्कुल सही तरह से बोलते थे और उनकी जो बात होती थी बिल्कुल आगे चल के बिल्कुल सही निकलती थी। तो हम बस यही कह सकते हैं उनकी जितने भी तारीफ करें बहुत कम है। आज बहुत दुख का दिन है पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निंग, बहुत बड़ा लॉस है, लॉस कभी भी वो नहीं हो सकता, इतना बड़ा लॉस है कि इसको कुछ बताने के यहाँ पे कोई मेरे पास वर्ड नहीं है। मेरे ख्याल में पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में जो उनके जो जितने भी लोग थे जो इंडिया में थे, शायद उन्होंने जो काउंटी क्रिकेट में भी खेले, चाहे काफ़ी मेरे को लोग इंग्लैंड से भी मुझे फ़ोन बहुत से फ़ोन मैसेजेज आए कि हमारी तरफ से भी उनकी फैमिली को कंडोल करो बोल के, तो बट ये उनका ऑरा था और ये ऑरा हर बार का क़यामत तक रहेगा। और सब ने जाना तो है, एक ना या कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, शायद उस चीज़ का ज़्यादा दुख होता है। कोई शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है कि क्या कहें। उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली, जिस तरीके के फैसले लिए, ये अपने आप में नज़ीर है कि जो क्रिकेटर के तौर पर देश के ऐसे प्लेयर थे जो कि अगर गड़बड़ होती थी, गलती होती थी, तो वो इसका साथ के साथ ही आते। देखिए सबसे बड़ा ये है कि क्रिकेटर तो हम सब खेल के निकल जाएंगे, बहुत कम लोग आते हैं कैरेक्टर के साथ, और जो आदमी का कैरेक्टर होता है वही इंसान बड़ा होता है। तो मैं बिशन पाजी के लिए ये कहूँगा कि उनका कैरेक्टर था, जो भी था, जो दिल में था, वो सामने ज़बान पे आता था। उन्होंने अपने शब्द को कभी घुमा फिरा के नहीं कहा, शायद यही चीज़ मैं उनसे सीखना चाहता था और कोशिश करता था कि आई कैन बी लाइक हिम। The biggest loss to Indian cricket, but I think more than that, a great character, a great human being. I don't have to say more than that. I think wonderful person. बाकी कोई अगर यादगार बात आपको एक थोड़ा सा आप दो मिनट में उनकी पूरी कहानी भी हो, 100 साल लग जाएं बताते बताते तो भी ख़त्म नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं कि दो मिनट में उनकी कोई यादगार, एक यादगार हो तो बताएं। मेरे कैप्टन थे, मेरे मेंटोर थे, मेरे सब कुछ थे, और क्या कह सकते हैं इसके। थैंक यू सर। वी केम अप एज फाइटर्स बिकॉज ऑफ बिशन पाजी। ही हैज लेफ्ट अस बट ही शैल ऑलवेज स्टे इन आवर हार्ट्स। अ मैन कंप्लीट फाइटर, स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू बी ऑन द फील्ड, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फील्ड। Never let you ever feel that you are a junior. Very knowledgeable man. You could talk to him on any topic. And sure, it's a personal loss to me because when I started playing my cricket in the universities, I remember he calling me and telling me that I had to play the Ranji Trophy. When we couldn't afford Gray Nichols' bat or Patrick's shoes, he was the one who gave it to me for the first time. Very magnanimous, large-hearted, golden-hearted man, and it's a great loss not only to cricket but I suppose to everyone who knew him. Sir, जितना
बेहतरीन वो गेंदबाज थे, उतना ही फील्ड पे उन्होंने जो अपने फैसले लिए वो भी हमेशा याद रखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के फैसले उन्होंने लिए, चाहे वो पाकिस्तान में लिया हो चाहे वेस्ट इंडीज में लिया हो, ये अपने आप में नज़ीर है कि अगर कोई गलत करेगा इंडियन टीम के साथ खेलते हुए तो उसका जवाब वो वहीं ग्राउंड में ही देगा। बिल्कुल, उन्होंने असूलों के फैसले लिए, असूलों पर फैसले लिए जो लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं हुए, खास करके एस्टेब्लिशमेंट के लिए लोकप्रिय नहीं थे। अगर हम प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और हमें पकौड़े खिलाए जा रहे हैं तो वो नाराज़ होते थे कि अगर इतना आदमी पसीना बहा के आ रहा है तो उसको अंडे दो, जो शाकाहारी है उसको फल दो। किसी होटल में ठहराया, हम मैच खेल के आ रहे हैं, वहाँ पर चूहे या कॉकरोच हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छे होटल कम से कम 6 घंटे तो सो सकें। और इसको इतिहास में कहा गया है कि जो राजा होता है ना, जो बादशाह होता है, वही इतिहास लिखता है, वही हिस्ट्री लिखता है। तो लोगों ने उस प्रकार से लिखे, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी तो खिलाड़ियों के लिए लड़े, और बड़े दिल वाले व्यक्ति, और जितना उनके बारे में कहा जाए वो कम है।